सो फाइनली दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के लिए जो आपकी वैकेंसी आने वाली है उसकी ऑनलाइन डेट आ चुकी है कि कब से आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको अपने फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए आपकी कब तक लास्ट डेट रखी गई है, सारी चीज़ों को मैं आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर दिखाऊंगा। फिलहाल चलिए मैं एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि आपकी जो वैकेंसी आने वाली है उसमें टोटल कितनी सीटें रहेंगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपको एक ब्रीफ जानकारी आपको दे देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आपकी फॉर्म की जो ऑनलाइन डेट है वो आ चुकी है। आगे पोस्ट नेम की बात करूं तो कांस्टेबल जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, इसके साथ ही आपको और भी वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी। यहां पर आप डिपार्टमेंट में जाके देख सकते हैं कि आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इस तरह के पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब बात करें टोटल वैकेंसी की तो आपके लिए जो वैकेंसी आने वाली है वो टोटल 64,000 पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, 64,000 पोस्ट टोटल आपके लिए आने वाली है एसएससी के तरफ से। और यहां पर मैं बात करूं तो इस पे ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, कोई भी यहां पर अप्लाई कर सकता है इन 64,000 पोस्ट के लिए। आप अगर बात करें अप्लाई मोड की तो इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के वेबसाइट पर जाकर। जब इस फॉर्म की ऑनलाइन स्टार्ट होगी तो मैं उस समय भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अपनी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। अब अगर बात करें सैलरी की तो इसके लिए आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक आपको सैलरी देखने को मिलेगी वेरियस पोस्ट के लिए। ये सैलरी अलग अलग रखी गई है। उसके बाद मैं आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो आपकी जो एग्जाम होने वाली है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाली है, यानी कि आपकी सीबीटी टेस्ट होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। जॉब लोकेशन की बात करूं तो मैंने आपको फर्स्ट पर ही बताया कि ये अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे अब अगर बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 के एज लिमिट की तो आपकी जो मिनिमम एज रखी गई है वो 18 साल रखी गई है और आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 23 साल रखी गई है। यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी, यानी कि आप अगर यूआर यानी कि जर्नल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको 3 साल की यहाँ पर एज में छूट देखने को मिलेगी, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की एज में गैप देखने को मिलेगी, यानी की छूट देखने को मिलेगी। फिर अगर मैं एप्लीकेशन फी की बात करूं तो आप अगर जर्नल ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 100 रुपीज की फी पेमेंट करनी होगी इस फॉर्म में ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए, और अगर आप एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट होंगे तो आपको एक भी रुपए इस फॉर्म को फिल करने की फी नहीं लगने वाली है। देन पेमेंट मोड की बात करूं तो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू इस फॉर्म के लिए फी भी सबमिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी इस फॉर्म को फिल करने को लेकर। तो आपने अगर 10th पास की है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10th पास आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है एजुकेशन के लिए। तो आपने अगर 10वीं पास कर ली है तो आप इस फॉर्म को कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है कि सिर्फ 10th पास कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन करेंगे तो उस समय आपको और भी अगर आपकी कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी तो उसे भी इंटर करने का ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि आपने 12th पास की है, पोस्ट ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन की है, इस तरह की अगर आपने डिग्री करके रखी है तो उसे भी इंटर करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। लेकिन आपने अगर 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस समय कुछ भी चीज़ नहीं करके रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर 10th की सर्टिफिकेट है यानी कि आपने 10th क्लास को पास किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आती है वो डेट्स को लेकर आती है कि आप इस फॉर्म में कब से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और कब तक एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 27 अगस्त 2024 से ये आपकी फॉर्म की जो एप्लीकेशन ऑनलाइन करने की वो स्टार्ट हो जाएगी और आप लास्ट 5 अक्टूबर 2024 तक इस एप्लीकेशन के लिए ऑनलाइन कर सकते हैं और आपकी जो एग्ज़ाम है वो जनवरी से फरवरी के बीच में 2025 में कंडक्ट कराई जाएगी। और ये जो डेट्स है वो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुकी है तो आप एक बार वहाँ से भी इसे वेरीफाई कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको एसएससी के वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, फिर आपको मैं वहाँ बताता हूँ कि आपको ये जो डेट्स है एप्लीकेशन की स्टार्ट होने की और क्लोज होने की और एग्ज़ाम डेट वो आप कहाँ से जाकर एसएससी के वेबसाइट पर देख सकते हैं।
तो आगे एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आते ही आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एसएससी कैलेंडर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके नीचे आपको यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाना है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एसएससी जीडी और यहाँ पर आप असम राइफल और कई सारी वेरियस पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशन 2025 के लिए रखी गई है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे देगी नेम ऑफ एग्जामिनेशन में। और अगर मैं बात करूँ डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तो 27/8/2024 से एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसकी 27/8/2024 को रिलीज कर दी जाएगी। और इसी दिन से आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप अगर इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 27/8/2024 से आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और आपकी जो क्लोजिंग डेट रखी गई है वो 5/10/2024, यानी कि आप 5/10/2024 के बाद इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और आपको यहाँ पर ऊपर पर मंथ ऑफ एग्जाम दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में ये एग्जामिनेशन की डेट दी गई है 2025 में। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 27/8/2024 को रिलीज कर दी जाएगी। तो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं उस समय भी एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा कि आपके लिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई, इस तरह की सारी चीजों को मैं ऑफर भी कंफर्म कर दूंगा। और इस एग्जाम के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगी तो उस समय मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिल कर भी बता दूंगा कि कैसे आपको इस पोस्ट के लिए या फिर इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अगर आप चाहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर सही कर दीजिए।